हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? सब लोग मस्त होंगे यार। तो चलिए इस सीरीज़ में एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। ए बिलियर्ड बॉल ऑफ रेडियस आर इनिशियली एट रेस्ट इज गिवन ए शार्प इम्पल्स बाय ए क्यू। द क्यू इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एट अ डिस्टेंस एच अबव द सेंट्रल लाइन एज शोन इन फिगर। एक बिलियर्ड बॉल है, ठीक है, और जब बताया नहीं जाता है तो हम इसे जनरली सॉलिड स्फीयर ही मानते हैं। हालांकि जेई में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो डेफिनेटली मेंशन करेंगे, बट फिर भी अगर कोई स्फेरिकल बॉल बोलता है और ये मेंशन नहीं करता है कि बॉल हॉलो है, स्फेयर या स्फीयर सॉलिड है, तो इन दैट केस वी विल एज्यूम द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि सेंटर लाइन से एच हाइट पे एक इम्पल्स हमने प्रोवाइड किया है, ना हिट किया हमने क्यू से। तो द बॉल लीव्स द क्यू विद स्पीड वी नॉट एंड बिकॉज ऑफ इट्स फॉरवर्ड स्लिपिंग इवेंचुअली एक्वायर्स ए फाइनल स्पीड 9v0/7। फाइंड आउट एच। तो एच कैलकुलेट करना है कि किस हाइट पे हमने इसे स्ट्राइक किया होगा ताकि फाइनली 9v0/7 इसकी स्पीड हो गई। तो ये एडवांस्ड का काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है, एडवांस में पूछा भी गया है, बट डिसेंट क्वेश्चन है इसलिए ये हम लोगों ने यहाँ पे पिक किया है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो हमने क्यू से हिट किया बेटा, एक इम्पल्स प्रोवाइड किया है हमने, ना एक इम्पल्स हमने यहाँ पे दिया है। छोटे से टाइम इंटरवल के लिए एक बड़ा फोर्स अप्लाई किया होगा, इम्पल्सिव फोर्स। तो मान लेते हैं कि लेट इम्पल्सिव फोर्स जो लग रहा है वो कैपिटल एफ है और वो डी टी टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है, डी टी टाइम इंटरवल के लिए। तो सिचुएशन क्या है, पहले पूरा डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरह की थी कि एक स्फेरिकल बॉल है बेटा, और इस स्फेरिकल बॉल को सेंट्रल लाइन, ये लाइन है, इससे एच हाइट ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स हमने इसको अप्लाई किया है फॉर टाइम इंटरवल डी टी, है ना। इम्पैक्ट है तो टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा होगा, डी टी टाइम इंटरवल मानेंगे, डी टी टाइम इंटरवल के लिए। तो इस इम्पैक्ट की वजह से जो इसके पास पहले ना तो कोई लीनियर वेलोसिटी थी ना ही कोई एंगुलर वेलोसिटी थी, तो इस इम्पैक्ट की वजह से इस बॉडी ने, हमें बताया गया है कि एक लीनियर वेलोसिटी वी नॉट अचीव कर ली और कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी अचीव कर ली होगी, लेट अस सपोज ओमेगा नॉट, क्योंकि रफ सरफेस है तो कुछ है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो इम्पल्स आपने दिया है उसका एक एंगुलर इम्पल्स भी आएगा क्योंकि वो सेंट्रल लाइन से पास नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल इम्पल्स दिया है तो एक ऑर्डिनरी फ्रिक्शन होगा, डी टी टाइम इंटरवल के लिए हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये और इसके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो डी टी का है, जो कि बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है, और इम्पैक्ट के दौरान जो ऑर्डिनरी फोर्सेज होते हैं उनके लीनियर और एंगुलर इम्पल्स को हम इम्पल्सिव फोर्सेस के जो लीनियर और एंगुलर इम्पल्स होते हैं उनके रिलेटिव में निगलेक्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर क्या रहा होगा बेटा कि इसके बाद फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसके पास वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अगर वी इसकी नेट वेलोसिटी देखी जाए तो ये वी नॉट इधर की तरफ होगा, आर ओमेगा नॉट इधर की तरफ होगा। फॉरवर्ड का मतलब है वी नॉट बड़ा रहा होगा आर ओमेगा नॉट से, इसीलिए ये पॉइंट फॉरवर्ड स्लिपिंग करेगा। तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो बैकवर्ड लगेगा, जो वी नॉट को कम करेगा। फॉरवर्ड स्लिपिंग अगर हो रही है तो वी नॉट को कम करेगा, ओमेगा नॉट को घटाएगा। एक्चुअली इस प्रॉब्लम में बेटा बैकवर्ड स्लिपिंग है, नॉट फॉरवर्ड, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 9v0/7 और वी नॉट से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम में गलत नोट कर लिया है। बैकवर्ड स्लिपिंग दिया गया है, तो बैकवर्ड का मतलब है बेटा आर ओमेगा नॉट लेस देन वी नॉट होगा। उस सिचुएशन में जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो बार आगे की तरफ लगेगा। तो ये आप सब लोग जानते हैं, अगर वी नॉट आर ओमेगा नॉट से बड़ा है तो ये पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उसे हम फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं। इन दैट केस काइनेटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड लगता है, बट अगर बैकवर्ड स्लिपिंग का मतलब है कि आर ओमेगा नॉट बड़ा है वी नॉट से तो ये पॉइंट पीछे की तरफ मूव करेगा, उस सिचुएशन में जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा तभी वी नॉट की वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी, ये बढ़ते बढ़ते कुछ वी हो जाएगी
और ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ओमेगा के अपोजिट होगा, तो ओमेगा की वैल्यू कम होते होते सपोज ओमेगा हो जाती है, और फाइनली ये प्योर रोलिंग शुरू कर देता है। इन्होंने कहा इवेंचुअली इट रिक्वायर्स ए फाइनल वेलोसिटी 9v0/7। ये जो वेलोसिटी है बेटा ये 9v0/7 है, तो ओमेगा यहाँ पे बॉडी प्योर रोलिंग करने लगेगी। प्योर रोलिंग की कंडीशन में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उस पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, आप सब लोग जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है तो आप समझ रहे हैं कि इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो होगी, बिकॉज ये ग्राउंड पे रोलिंग कर रहा है। तो वी यहाँ पे आएगा आर ओमेगा की ये डायरेक्शन होगी, तो जीरो वेलोसिटी का मतलब है वी इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि वी की वैल्यू 9v0/7 है, यहाँ पे 9v0/7 है, आर से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल ओमेगा की वैल्यू ये होगी। तो दिस इज द होल प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे बैकवर्ड स्लिपिंग है, नॉट फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो ये प्रॉब्लम है कि हमने एक बॉडी रेस्ट पे थी, उस पर एक इम्पल्स प्रोवाइड किया, एक इम्पल्स अप्लाई किया है, उसकी वजह से बॉडी ने कुछ लीनियर वेलोसिटी अचीव कर ली। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया नहीं गया, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि अगर हमने सेंटर ऑफ मास से हमारी लाइन पास नहीं हो रही है तो कुछ एंगुलर इम्पल्स भी होगा, तो इट विल एक्वायर सम एंगुलर वेलोसिटी ऑल्सो। तो उसकी वजह से ये एक जस्ट आफ्टर इम्पल्स की स्टेट है, दिस इज जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, ये जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट की स्टेट है, और उसके काफ़ी देर के बाद धीरे धीरे ये स्लिप करता हुआ जाएगा, आई मीन रोलिंग विद स्लिपिंग कह सकते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लिपिंग होगी, और उसकी वजह से ये फाइनली रोलिंग करना शुरू कर देगा। तो इन दो स्टेट के बीच में अगर देखा जाए तो चूंकि ये एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, तो आप कह सकते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी भी सप्लाई कर रहा है, मोमेंटम भी दे रहा है, एंगुलर मोमेंटम भी दे रहा है, तो ना आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ना आप मोमेंटम कंजर्वेशन बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, ना ही समझ रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर दो हम बेसिक चीज़ें अप्लाई करेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये हम लोग ने पढ़ा है कि लीनियर इम्पल्स जो होता है, लीनियर इम्पल्स जो होता है जे इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है, एक्सटर्नल इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। तो अगर F फोर्स dt टाइम इंटरवल के लिए लिख माना है तो F dt इसका इम्पल्स होगा, टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी जो अचीव कर लेती है वी नॉट, तो एम वी नॉट फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पे बॉडी का मोमेंटम लिख रहे हैं, तो बॉडी का मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वी नॉट सेंटर ऑफ मास है, इनिशियल मोमेंटम जीरो था। तो एक इक्वेशन ये बच्चों अप्लाई करेंगे, और एक एंगुलर इम्पल्स अप्लाई करेंगे, एंगुलर इम्पल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, ये एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स में। तो एंगुलर इम्पल्स ये हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाएंगे, देखिए जब तक कोई फिक्स्ड एक्सिस ना हो, अगर फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ना हो तो आप एंगुलर इम्पल्स जनरली आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लगाइए, उससे सूडो टॉर्क के जो इम्पल्सेस आएंगे वो कंसीडर नहीं करने पड़ेंगे। तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शंस की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h है। तो लीनियर इम्पल्स होता है टॉर्क इंटू dt, इट इज़ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, सो i सेंटर ऑफ मास ओमेगा। तो टॉर्क जो है उसे मैं लिख सकता हूँ F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस H इंटू डी टी, आई है हमारा सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है, ओमेगा नॉट उसकी वैल्यू है बेटा। तो F इंटू डी टी को मैं लिख सकता हूँ, या इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे लिए आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो देखिए एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल रहा है, एक रिलेशन यहाँ से मिल रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से ये h इक्वल टू आ रहा है, h इक्वल टू यहाँ से आएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा नॉट 2/5 और डिवाइडेड बाई वी नॉट।
तो ये बच्चों हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से अगर हमें वी नॉट और ओमेगा नॉट का रिलेशन मिल जाए, तो वी नॉट और ओमेगा नॉट का रिलेशन यूज़ करके हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम अगर आगे देखें कि मोशन किस तरह से हुआ है, तो यहाँ पे वी नॉट और ओमेगा नॉट आने के बाद बॉडी स्लिप करी है, और स्लिप करने के बाद फाइनली वी और ओमेगा अचीव कर लिया, वेलोसिटी इतनी है और एंगुलर वेलोसिटी इतनी है। तो इन अगर इसको अब मैं इनिशियल स्टेट और इसको फाइनल स्टेट मानूँ, तो कोई भी पॉइंट अगर मैं इस लाइन पे ले लूँ, एनी पॉइंट पी, और उससे ये एक्सेस ले लूँ, पास होने वाली एक्सेस जो इस पी से पेज के परपेंडिकुलर होगी, तो आप देखिए जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो यहाँ से पास होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जब बॉडी स्लिप करती है तो एक वेट लगता है एक्सटर्नल फोर्स, एक आप देख लीजिए ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक ये लग रहा है। तो कोई भी पॉइंट अगर मैं देखूंगा तो सारे के सारे रियल फोर्सेस यहीं से पास, ये रियल फोर्स यहाँ से पास हो रहा है, और इसका mg का जो क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा नॉर्मल mg के बराबर होगा, नॉर्मल का उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। तो p पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं अबाउट पॉइंट p, या p पॉइंट से पास होने वाली ये जो एक्सिस है जो पेज के परपेंडिकुलर, उस एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसको अगर मैं इनिशियल स्टेट मान लूँ और इसको फाइनल स्टेट मान लूँ, और इसका एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करने जा रहे हैं इन दोनों स्टेट के बीच में। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर कंजर्व करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, किसी भी बॉडी का अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है, अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम पहले लिखेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखा जाता है, फिर सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा 2/5 एम आर स्क्वायर आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा नॉट, ये क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम आएगा, ओमेगा नॉट का सेंस आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज है, प्लस सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट का अबाउट लेंगे तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन आ रही है ये कैपिटल आर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो एम वी नॉट आर ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड परपेंडिकुलर टू द पेज। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर देखेंगे तो इसका आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम इंटू वी इंटू आर, वी की वैल्यू 9V0/7 है, ये पुट कर सकते हैं हम लोग। तो एक रिलेशन यहाँ से हमें मिल जाएगा 2/5 एम कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2/5 आर स्क्वायर ओमेगा नॉट प्लस वी नॉट आर, एक आर भी कैंसिल आउट कर सकते थे, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे 2/5 आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू है 9V0/7 आर, ये हमने कैलकुलेट करके रखी है आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो प्लस एम कैंसिल आउट हो गया, वी की वैल्यू अगेन 9V0/7 आर पुट कर दीजिए इनटू आर पुट कर देते हैं। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नाइन वी नॉट बाई सेवन है इनटू आर है, ठीक है, डिवाइड बाई आर नहीं होगा, वी की वैल्यू पुट करिए तो सॉल्व कर लेते हैं, आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2/5 आर ओमेगा नॉट प्लस वी नॉट, इट इज 2/5 आर से आर कट जाएगा इंटू 9/7 या 9/7 वी नॉट कॉमन आएगा, आर से आर ये खत्म हो जाएगा, एक आर से आर और एक आर कॉमन होके कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 2/5 प्लस 1, तो यहाँ पे बेटा 2/5 आर ओमेगा नॉट इक्वल टू ये आएगा 7/5, तो ये 9/5 वी नॉट बचेगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस वी नॉट, सो इट इज 4V0/5। तो अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई और कर ले तो यहाँ से रिलेशन आ रहा है V0 इक्वल टू
5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2। तो एक ये रिलेशन बच्चों हमारे पास आ रहा है, ठीक है, एक ये रिलेशन आ रहा है। तो एक रिलेशन बेटा हमने ये कैलकुलेट कर लिया, और एक रिलेशन अभी हमने ये अप्लाई किया, ये कैलकुलेट निकाला था एच इक्वल टू, आप देख लीजिए एच इक्वल टू। तो यहाँ पर अगर मैं ये रिलेशन यूज़ कर लूँ, एच इक्वल टू था हमारा 2/5 आर स्क्वायर ओमेगा नॉट डिवाइड बाई वी नॉट। तो अगर मैं आर ओमेगा नॉट की वैल्यू 2V0 रख दो, तो 2/5 ये V0 रहेगा, एक आर रहेगा, आर ओमेगा नॉट की वैल्यू 2V0 रख दी, तो V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H इक्वल टू आ जाएगा 4R/5। तो दिस इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो बस बेसिक लॉजिक यही है बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, प्रॉब्लम को अच्छे से फ्रेम करना होता है, उसके बारे में अच्छे से आपको सोचना कि कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने इन दो स्टेट के बीच में अप्लाई किया है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, लीनियर डायरेक्शन, लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। फिर इन दोनों स्टेट के बीच में इसे इनिशियल और इसे फाइनल माना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया है, और उस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 4H 4R।